जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। जब हम बच्चे थे तो हर पल यही सोचा करते थे कि कब हम बड़े हो जाएं, और आज जब हम बड़े हो चुके हैं तब एहसास होता है कि शायद वही लम्हे, वही दिन, वही उम्र ही जैसे जन्नत थी। दिन की शुरुआत ही देर से उठने पर होती थी, और जब तक आंखें खुलती थी सारी स्कूल बसी घर के गेट पर होती थी। माँ सर दुख रहा है, माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, माँ आज स्कूल नहीं जाना, शायद यही हम सबके बहानों की रटी रटाई लिस्ट होती थी। पर धीरे धीरे वही स्कूल कब इतना खास बन गया पता ही नहीं चला ना। वैसे स्कूल तो सिर्फ एक बहाना बन गया था, सिर्फ एक जरिया बन गया था हर रोज हर एक यार से मिलने का, हर रोज नई शरारतें करने का। पर आज भी यही लगता है ना कि वो वक्त जैसे वहीं थम क्यों नहीं गया, और क्यों हम अचानक इतने बड़े हो गए हैं कि उन सारी यादों को पलट कर देखने का हमारे पास अब समय तक नहीं रह गया। हर किसी के लिए स्कूल तो जैसे उसका दूसरा घर था। देर से आना, देर से जाना, पढ़ने तो साला कोई नहीं आता था, पर हाँ हर रोज हर किसी के पास एक नई कहानी जरूर होती थी सुनाने को। यूं तो दोस्ती हम सब में बहुत पक्की थी, पर हाँ जिससे चिढ़ो उसके लिए तो वॉशरूम तक में गालियां लिख रखी थी। पर किसने सोचा था कि उन सारी यादों का, सारी मस्तियों का, सारे खास लम्हों का सफर एक पल में खत्म हो जाएगा, और जहां कभी ना जाने के लिए रोया करते थे वही स्कूल आज हम सबको इतना याद आएगा। याद आता है ना स्कूल का वो आखिरी दिन जब हम सब ने अलविदा कहकर एक दूसरे को गले लगाया था। हमारी यारी देखकर सिर्फ टीचर्स का ही नहीं सारे स्कूल तक का दिल भर आया था। ना जाने कितने वादे किए उस दिन कि याद रखेंगे हम सब एक दूसरे को और इन पलों को जो हमने साथ बिताए हैं, और आज उन्हीं यादों को साथ लेकर हम सब हर एक तकरार तक को पीछे छोड़ा है। किसी ने सच ही कहा है ना कि जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। कुछ साल बाद ये सारे पल बहुत याद आएंगे जब हम सब दोस्त अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अकेले जब भी होंगे साथ बिताए यही लम्हे याद आएंगे। पैसे तो बहुत होंगे पर शायद खर्च करने के लिए लम्हे कम पड़ जाएंगे। एक कप चाय भी याद दोस्तों की दिलाएगी, यही सोचते सोचते शायद आंखें भी नम हो जाएंगी। जी भर कर जी लो इन पलों को दोस्तों, क्योंकि जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी।